अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। मोहब्बत के लिए बेहतरीन अमलों में एक अमल ये भी है, महबूब को आपके कदमों में हाजिर कर देने वाले इस अमल की ताकत इतनी ज़्यादा है कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। ये अमल हमेशा कामयाब हुआ है। बहुत आसान अमलों में ये भी एक ज़बरदस्त और पावरफुल अमल है। इस अमल को करने से कैसा भी पत्थर दिल महबूब हो मोम हो जाएगा। बहुत से बुज़ुर्गों का आजमाया हुआ अमल है और मैंने खुद भी इस अमल को आजमाया और हमेशा कामयाबी ही हासिल हुई। मोहब्बत करने व अपने महबूब को अपने दिल में बसाने के लिए ये अमल करें। अगर आपका महबूब आपके काबू में बहुत कोशिशों के बाद भी ना आ रहा हो तो ये अमल आपके बहुत काम का अमल है। महबूब आपके काबू में होगा इंशाल्लाह। नक्शे अमल की पूरी जानकारी से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें जो कि बिल्कुल फ्री है। ऐसा करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊंगा तो आपको सबसे पहले वो हासिल होगी, वो वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी इंशाल्लाह। चलें अब नक्श को जान लेते हैं। नक्श इस तरह से बनाना है, आपको इस तरह से 5 खाने का एक बॉक्स बना लेना है। इसमें आपको 5 खाने इस तरह से बनाने हैं। ये 5 खाने बनाने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पर 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है ऊपर वाले खाने में, पहले आपको ऊपर वाला खाना भरना है। यहाँ पर आपको लिखना है हे दो चश्मी हे। इसके बाद आपको इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है हे। इसके बाद आपको ये साइड वाला ये वाला खाना आपको भरना है। तीसरे नंबर में आपको यहाँ पर लिखना है हे दो चश्मी हे। इसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला खाना आपको भरना है। चौथा खाना आपको ये वाला भरना है, यहाँ पर लिखना है हे दो चश्मी हे। और ये वाला खाना यहाँ पर आपको लिखना है मीम। इसके बाद आपको महबूब का नाम यहाँ पर लिखना है। ध्यान रखें यहाँ आपको महबूब का नाम लिखना है। महबूब चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर महबूब औरत है तो औरत का यहाँ पर नाम लिख दें, अगर महबूब मर्द है तो मर्द का नाम यहाँ पर लिख दें। इस जगह पर आपको महबूब का नाम लिखना है। इसके बाद बिन या बिनते, अगर महबूब लड़की है तो यहाँ पर बिनते लिख दें, अगर महबूब मर्द है तो यहाँ पर बिन लिखने के बाद यहाँ पर उसकी माँ का नाम लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बिन लिखना है या बिनते लिखना है और उसकी मतलब अपनी माँ का नाम यहाँ पर लिख देना है। इस तरह से ये आपका नक्श मुकम्मल हो जाता है। इस नक्श को किसी भी दिन बना सकते हैं, इस नक्श को किसी भी पेन से लिख सकते हैं, वो चाहे जिस कलर का पेन हो। इस नक्श को दिन या रात के किसी भी टाइम लिख सकते हैं, दिन या रात के 12 बजे। इस नक्श को नहीं बनाना है, 12 बजे जलाल का टाइम होता है, इसलिए इस नक्श को दिन या रात के 12 बजे नहीं बनाना है। बाकी के 22 घंटे में इसे चाहे जब बना सकते हैं। इस नक्श को महबूब के कपड़े पर लिखना है। आप महबूब का कोई कपड़ा हासिल कर लें और उसके कपड़े पर या कोई महबूब का पहना हुआ कपड़ा पुराना हो जिसका कोई एक टुकड़ा मिल जाए, उस टुकड़े पर भी इस नक्श को बना सकते हैं। बनाने के बाद ये नक्श मतलब उस कपड़े पर बनाने के बाद इस नक्श को किसी भारी पत्थर के नीचे इस नक्श को दबा देना है। महबूब आपका ग़ुलाम हो जाएगा। ये अम्ल सिर्फ जायज़ मकसद के लिए है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त के साथ।